उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव के पहले सपा को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। खबर है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी के महासचिव पद से मौर्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मौर्य ने बकायदा अखिलेश को खत लिखकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौर्य की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी यानी RSSP साहेब सिंह धनगर की है। मौर्य इसे रिलॉन्च करने जा रहे हैं। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल के इस्तीफों पर इशारों में कहा कि फायदे के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है। अखिलेश के इस बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया। मौर्य ने कहा कि उनका सम्मान उनको मुबारक, ना तो केंद्र की सत्ता में है और ना ही प्रदेश की, लिहाजा वो कुछ देने की हैसियत में ही नहीं है। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, ना उनकी सरकार केंद्र में है, ना प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि उनके सपा में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को कौन कौन से फायदे हुए। मेरे आने के बाद समाजवादी पार्टी की विधायकों की संख्या 111 हो गई। समाजवादी पार्टी का जनाधार, जो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी नहीं था, वो 2022 के चुनाव में उनको मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी हुई है। अब आपको मौर्य के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। मौर्य ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की थी। वो पहले योगी सरकार में मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में आए थे। मौर्य किसी जमाने में मायावती के खास हुआ करते थे, BSP छोड़ बीजेपी में पहुंचे थे। हालांकि मौर्य 2022 में सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। उनकी बेटी अभी बदायूं से बीजेपी की लोकसभा सांसद है। बहरहाल यूपी में मौर्य की गिनती पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के तौर पर की जाती है। हाल ही में सनातन धर्म पर दिए गए बयानों से सपा ने उनसे किनारा कर लिया था, जिससे आहत होकर मौर्य ने अपनी अलग राह चुन ली है। मौर्य के सपा छोड़ने से अखिलेश को नुकसान होगा या फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश को अपनी पार्टी को एकजुट रखने में पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।